अब नए वीडियोस देखिए हर वेंसडे और सैटरडे को। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बिहारी जायका में। आज हम आपको बताएंगे हलवाई जैसी सूखी गोभी आलू की सब्जी की रेसिपी। इसे बनाने के लिए एक पैन में 2 बड़े चम्मच सरसों तेल लें, 500 ग्राम गोभी को मोटे टुकड़ों में काट लें। जब तेल गर्म हो जाए तो गोभी के पीस को इसमें डाल दें। अब हमें गोभी को हल्का लाल होने तक फ्राई करना है। जब गोभी हल्की लाल हो जाए तो इसे एक प्लेट में निकाल लें। 4 मीडियम साइज के आलू को छिलकर लंबे टुकड़ों में काट लें। अब इसे भी हमें हल्का लाल होने तक फ्राई करना है। अब उसी पैन में थोड़ा तेल और डालें, 1/2 चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता, 2 लाल मिर्च डालें। जब जीरा चटक जाए तो इसमें 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज डाल दें। अब प्याज को लाल होने तक भूनें। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसमें 1/2 छोटी चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालें, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। सबको डाल के मिक्स कर दें। थोड़ा पानी डाल दें जिससे मसाले जले ना। अब इस मसाले को तेल छोड़ने तक भूनें। 1 मीडियम साइज के हल्के कच्चे टमाटर, इसे लंबा काट लें। अब इसे मसाले में डाल दें। 2 कटी हरी मिर्च। अब टमाटर गलने तक इसे कवर कर दें। जब टमाटर हल्की गल जाए तब इसमें फ्राई किए हुए आलू डाल दें, मिक्स करें। गोभी भी डाल दें, थोड़ा पानी भी डाल दें। सबको अच्छे से मिक्स कर लें। अब स्वाद अनुसार नमक डालें। मिक्स करके कवर करके गोभी आलू के गलने तक छोड़ दें। जब गोभी आलू गल जाए तब इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला डालें और धनिया पत्ता डाल के कवर कर दें। अब आपकी गोभी आलू की सब्जी बनके रेडी है। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और ये बहुत जल्दी में बन भी जाती है। आपको ये रेसिपी कैसे लगी है मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।